हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज है नवमी और हम आ गए थे पंडाल, और वहाँ चल रहा था पूजा, तो तब तक हम फोटोज क्लिक कर रहे थे और सेल्फीज ले रहे थे। तो यहाँ चल रहा था आरती, और दुर्गा पूजा इज इनकम्प्लीट विदाउट दिस बीट ऑफ ढाक, और यही सुनने के लिए हम वहाँ बैठे रहते हैं। तो थोड़ी देर आरती देखने के बाद हम चले जाएंगे घर और मिलते हैं फिर शाम को। तो हम निकल गए थे शाम को दुर्गा देखने के लिए। तो आज है नवमी और आज है लास्ट डे ऑफ दुर्गा पूजा। तो आज हम रात में जितने जगह का दुर्गा नहीं देखे हैं वहाँ सबका दुर्गा देखने जाएंगे और थोड़ी बहुत मस्ती भी करेंगे। तो यहाँ का दर्शन करने के बाद हम चले गए थे दूसरी जगह का दर्शन करने के लिए। तो ये जो हम आए हैं ये हमारे घर के पीछे वाली दुर्गा जी है। तो यहाँ नौ दुर्गा बैठाते हैं। तो ये इस बार चंद्रयान 3 के थीम का पंडाल बनाए थे, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और इसके बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हुए थे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब में। यहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता है और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है हर साल। तो अभी यहाँ सिर्फ मैं, जे मोदी जी और अंकुर आए थे दर्शन करने के लिए, और बाकी लोगों ने पहले दर्शन कर लिया था। तो दर्शन करके आने के बाद हम उनसे मिलेंगे। तो ये रहा चंद्रयान 3 वाला पंडाल, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब चलते हैं अंदर, क्योंकि वो लोग मेरा वेट कर रहे थे, मुझे बुला रहे थे। तो हम दूर से ही दर्शन कर लिए थे और दर्शन करने के बाद हम निकल गए थे, हम सामने जाके दर्शन नहीं किए थे। तो अब हम जा रहे हैं बाहर, और बाहर जाके हम कुछ गेम्स खेलेंगे जो मेले में लगता है। तो मेरी मम्मी, भैया, ये सब लोग बाहर हैं, तो हम पहले जाके उनसे मिलेंगे। बचपन में मैं और मून दीदी बहुत ज़्यादा झूला वूला भी झूलते थे, लेकिन अब तो कोई नहीं झूलता, तो मैं भी नहीं झूलती। घर में सिर्फ मैं और मून दीदी ही है जो झूला झूलते थे, बाकी कोई भी नहीं झूलता था। सबको झूले से डर लगता, बट मुझे तो नहीं लगता था। मुझे बहुत अच्छा लगता है झूला झूलना, पर अब मैं उतना ज़्यादा मन नहीं करता मुझे झूला झूलने का। पर मेला घूमना तो सबको पसंद है, तो हम चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हम जाएंगे गेम खेलने, देखते हैं क्या क्या है गेम में। तो ये गेम तो आई होप सभी ने खेला है अपने बचपन में और सबको याद है। तो इसमें जितने भी नंबर्स आते हैं उनका टोटल जितना होता है उस अकॉर्डिंग ये गिफ्ट्स देते हैं। बट यार, मुझे तो आज तक कुछ ढंग का गिफ्ट मिला नहीं है। यहाँ पे इतने सारे इन लोग डिस्प्ले में लगा के रखते हैं। या तो मिलता है मग, या तो मिलता है पेन होल्डर, यही सभी मिलता है। तो यहाँ आके हम देखे कि मम्मी, पिशी और बड़ी मम्मी, इन लोग सब भी कुछ कुछ गेम खेले और इनको भी कुछ कुछ गिफ्ट्स मिले थे। तो हम इस टूर भी एक्साइटेड हो रही है बहुत गेम्स देख के, उसको भी गेम खेलना है। तो यहाँ सबके हाथ में कुछ ना कुछ गिफ्ट्स रखे हुए थे। मैंने बोला यार, सबने यहाँ पे सब गेम खेल लिया। और हाँ, ऑलमोस्ट हमने वहाँ जितने भी गेम्स थे सब हमने वो गेम्स खेला, और कुछ ना कुछ सबको कुछ ना कुछ मिला। ये मैरी गो राउंड और ये झूला देख के मुझे भी झूलने का मन कर रहा था, बट मुझे अकेले नहीं झूलना था, तो फिर मैंने किसी को भी नहीं बोला। तो अब हम चले गए थे दूसरी जगह खेलने के लिए। तो ये भी कुछ गेम था जो पूरे ग्लास को एक बार में नीचे फेंकना था। यार, पूरा ग्लास को एक साथ नीचे फेंकना इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैं भी ये गेम खेलने चले गई थी, पर मेरे ग्लासेस नीचे तो नहीं गिरे, बट टेबल में सारे ग्लासेस गिर गए थे। तो यार, मुझे लगा कि ग्लास गिरने से ही गिफ्ट मिलते हैं, बट ऐसा नहीं है। ग्लास पूरे नीचे ज़मीन पर गिरने चाहिए, तभी गिफ्ट मिलेंगे। तो ये 3 चांस दिए, बट बाकी के चांसेस में तो एक भी ग्लास नहीं गिरा। और पीछे से सब हूटिंग कर रहे हैं, सबकी आवाज़ पीछे से आ ही रही है। ये सारे गेम्स एक एडिक्शन लगता है, एक बार खेलो और नहीं होगा तो फिर लगता है यार एक और बार खेलते हैं, शायद उसके बाद हो जाए। पर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ और कुछ भी गिफ्ट्स नहीं मिले इस गेम में। तो मैं तो यहाँ खेल ली थी। तो अब मिष्टू और श्रीहान को खेलना था, तो वो भी खेले। तो पहले सबको यही लगा कि ग्लास गिरने से गिफ्ट मिलेगा, बट उनका कहना था कि ग्लास पूरी ज़मीन के नीचे गिरना थी तभी गिफ्ट मिलेगा। तो बैड लक, किसी को भी इस गेम में कोई भी गिफ्ट नहीं मिला।
देखो इसकी नौटंकी। तो ये लास्ट डे तो हम लोगों ने बहुत मस्ती किए, और इस बार पहली बार ऐसा हुआ था कि सब भाई बहन हम लोग सब साथ में थे दुर्गा पूजा में। नहीं तो हर बार ऐसा होता है कि कोई कुछ लोग रहते हैं और कुछ लोग बाहर रहते हैं। तो यहाँ सब गेम खेलने के बाद और मस्ती करने के बाद हम निकल रहे थे बाहर। तो फिर इनको खाना था पान, तो हम चले गए थे पान के स्टॉल। और ये दोनों पता नहीं क्या कर रहे थे। तो पीसी और मेरी मम्मी दोनों फर्स्ट टाइम ये पान ट्राई किए थे। नहीं, वो भैया तो खिलाते खिलाते डांस भी कर रहे थे अपने गाने में। और ये देखो मेरे दादा को, वो भी डांस करना स्टार्ट कर दिए थे। और ये है मेरी बड़ी मम्मी, ये भी कहाँ से सिंग खरीद ली, मुझे भी चाहिए था ऐसा सिंग। तो मैं तो किसी और का ले ली थी, पता नहीं किसका था ये। और मैं यहाँ पूछ रही थी कि कैसी लग रही हूँ मैं ये सिंग पहन के। तो अब यहाँ बहुत देर रुकने के बाद और मस्ती करने के बाद हम निकल गए थे यहाँ से, और हम चले गए थे दूसरी जगह। तो यहाँ फिर सब बोल रहे थे थोड़ा सेल्फी ले लेते हैं, फ़ोटोज़ ले लेते हैं। सेल्फी फ़ोटोज़ लेने के बाद हम निकल गए थे यहाँ से। और मेरी पिशी को भी सिंग पहन के फ़ोटो खिंचाना था, तो उनको भी सिंग पहना दी मुंदिनी ने। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप यू ऑल लाइक टुडेज ब्लॉग, एंड इफ़ यू लाइक टुडेज ब्लॉग प्लीज़ लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।